September online classes. Dear students, in part 7, we will study about the process of selection. In previous video, I was discuss about the external method of external source of recruitment, in which you have studied a type of methods of external source of recruitment. In this video, we will study about the selection process. हमारे selection का क्या procedure होता है, कैसे हम selection procedure करते हैं? तो selection क्या होता है? As a definition की बात करें, तो selection is the process of identifying and choosing a best person out of number of persons. तो out of candidates में से हमको एक best person हमको select करना है, ज़्यादा लोगों में से बेस्ट आदमी को सेलेक्ट। यह सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसके डिफिनिशन में देन ऑर्डर का डिफिनिशन है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर इंप्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। तो इसमें सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट के लिए दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, कि ऐसे इम्प्लॉयमेंट जिसके लिए ऑफर किया गया है जॉब ऑफर, और ऐसे इम्प्लॉयमेंट होते हैं जिसके लिए जॉब ऑफर नहीं किया। सिलेक्शन की जब मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज ए प्रेडिक्ट विच जॉब एप्लीकेंट्स विल बी सक्सेसफुल इफ हायर। तो सिलेक्शन एक ऐसा मैनेजरियल डिसीजन होता है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी एप्लीकेंट्स को जॉब प्रोवाइड करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसको हम हायर कर लेते हैं या उसको हम अपॉइंट कर लेते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंटिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड हायर दोज विद ए ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इन ए जॉब। तो हम ढेरों सारे पर्सन में से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफरेंस करते हैं, ये अच्छा नहीं है, इस तरह से स्टोर में ये डिफिनेशन दिया है। तो हम उस पर कंपेरिजन करके जो सबसे अच्छा लगता है, बेटर लाइकलीहुड होता है, उसको हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन द फॉलोइंग्स आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स यूज इन द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प द मैनेजर टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है कि जब हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो उसमें से हम देखते हैं क्वालिफिकेशन या अदर चीज़ें, किसी का एप्लीकेशन गलत होता है या गलत पिकअप किया जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें चेक करने में कुछ जो अनक्वालिफाइड होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। उसके बाद से हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं। अगर कोई टेस्ट का प्रोसीजर है तो सिलेक्शन टेस्ट मेजर्स एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस पर्सनालिटी एक्सेट्रा, ये सब कुछ टेस्ट है। इसके फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट टेस्ट कंडक्टेड। इसमें कुछ टेस्ट है, अलाउ द इंटेलिजेंस जिसमें उसका आईक्यू टेस्ट किया जाता है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, इसके लिए वो रिटर्न या रिटर्न एग्जाम्स किया जाता है या ग्रुप डिस्कशन या कुछ ऐसा कुछ टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। उसके एग्जाम्पल्स है गिविंग टू सिमिलर ड्राइंग्स विद वेरी एडिटिव डिफरेंस टू टेस्ट द पावर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो आप अक्सर ऐसा देखोगे जैसे दो फिगर आपको ड्राइंग का दिखाया जाता है, और होता है ना कभी दैनिक जागरण आपने पेपर पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा किया रहता है, बताइए इसमें इसमें दोनों फिगर सेम दिख रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है? आप कहते हैं इसमें कैप पहना हुआ है, इसमें एक कैप नहीं पहना हुआ है, इसमें इसमें इसके हाथ में पांच उंगलियां है, इसके हाथ में पांच उंगलियां नहीं। तो इस तरह का जो कंपेरिजन होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, ये पावर ऑफ डिफ्रेंशिएशन को देखना होता है आईक्यू टेस्ट। नेक्स्ट है शोइंग अ शॉर्ट फिल्म एंड आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थिंग्स शोन इन द फिल्म टेस्ट टू द मेमोरी पावर ऑफ द कैंडिडेट्स। तो ऐसे ही क्या होता है कि इसमें कोई फिल्म दिखाई जाती है,
स्क्रीन पे और खाया था कि बताइए इसमें ऐसी क्या चीज़ है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिसका माइंड उस पर फोकस रहेगा, जिसको जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा वही उस क्वेश्चन का क्या करेगा आंसर देख रहेगा। नेक्स्ट आस्किंग करनी है टू राइट 10 to 15 मार्क्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर इन द वन मिनट, ऐसे ही कुछ 10 to 15 वर्ड्स लिखने के लिए बोलता है जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इससे आईक्यू लेवल टेस्ट। थैंक यू।